गाइस, अगर आपको एक लैपटॉप बाय करना है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे को एक विंडोज़ लैपटॉप खरीदना है या एक मैक खरीदना है, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे को एक इंटेल का प्रोसेसर लेना है या एक एमडी राइजन के प्रोसेसर लेना है, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि i5 लू, i7 लू, i9 लू, कौन सा लू, 10th लू, 11th जनरेशन लू, कौन सी लू, तो मैं आपको सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ और आपको एक अच्छे से बेसिक टिप्स देने वाला हूँ ताकि आप लैपटॉप बाय करते समय उन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो एक अच्छा लैपटॉप बाय कर पाओगे और आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार गाइज, मैं आपका सबसे पहला डाउट क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको एक विंडोज़ लैपटॉप खरीदना चाहिए या एक आपको एक मैक लैपटॉप खरीदना चाहिए। तो यार यार गाइज, अगर अपन मैक और विंडोज़ की बात करें तो मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि आपको एक विंडोज़ लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि मैक का सिक्योरिटी सिस्टम ज़रूर पावरफुल है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेटर देता है, बट उसमें क्या है ना कि आप कोई भी क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर का डाउनलोड नहीं कर सकते, या फिर आपको एक पेड सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा तभी आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाओगे। एंड उसमें बहुत सी प्रॉब्लम होती है। अगर आप एक आईफोन यूज़ करते हो तब आपके लिए मैक सही रहेगा, क्योंकि अगर आप एक एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हो उसको मोबाइल से कनेक्ट नहीं कर पाओगे मैक से, और बहुत सी दिक्कतें होती है, तो मैक एक स्टूडेंट के लिए सही नहीं रहेगा। तो यार गाइस, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं और अब बात कर लेते हैं कि अपने को इंटेल का लेना चाहिए या एक राइजन एएमडी प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए। तो यार इंटेल का प्रोसेसर काफ़ी सही रहता है और ये लॉन्ग टाइम तक स्टैंड करता है। एमडी राइजन का प्रोसेसर ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक सही नहीं है। तो अगर आपको एक लॉन्ग टाइम यूजेज लैपटॉप चाहिए तो आप इंटेल का प्रोसेसर को कंसिडर करो, और इसके अंदर i5, i9 और i7 जो भी है, तो आप एक स्टूडेंट हो तो यार ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए आपको। i5 में आपका सारा काम हो जाएगा और आप i7 खरीदोगे तो और भी बेटर है, बट i9 में तो i9 के साथ मत जाना आप, i9 काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और आपको अभी टाइम के अकॉर्डिंग अभी 11th जनरेशन चल रहा है, तो आपको एक 11th जनरेशन का लैपटॉप भी खरीदना चाहिए, क्योंकि आने वाले अगले ईयर में आपको 12th जनरेशन देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि कितनी रैम का लैपटॉप खरीदना चाहिए। तो यार आपको मिनिमम 8 GB रैम का लैपटॉप खरीदना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये मेमोरी आप एक्सपेंड कर सकते हो या नहीं। अगर आप 16 GB का लोगे रैम तो वो भी बढ़िया है, चलेगा। एक SSD होती है जो कि एक स्टोरेज होता है, आपको SSD लेना चाहिए और इसके HDD नहीं लेना चाहिए, क्योंकि SSD काफ़ी फास्ट होता है HDD से, एंड आपका बेटर एक्सपीरियंस रहेगा लैपटॉप के साथ SSD लोगे तो, और काफ़ी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाता है इससे। तो आपको एक SSD और मिनिमम 8 GB रैम के साथ लैपटॉप खरीदना है। यार गाइस, अब बात कर लेते हैं स्क्रीन के बारे में। स्क्रीन भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है जो कि अधिकतर लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, ये काफ़ी यूजफुल चीज़ होती है। स्क्रीन आपको अच्छे से देखना है कि वो फुल एचडी स्क्रीन है कि नहीं, एंटी ग्लेयर स्क्रीन है कि नहीं, उसकी उसकी ब्राइटनेस नीट्स करीबन 250 से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड आप एक CS के स्टूडेंट हो तो आपको 14 इंच तक लेना चाहिए, और अगर आप एडिटिंग पर्पज से ले रहे हो या फिर एक डिज़ाइनर हो तो आपको 15 इंच का लैपटॉप लेना चाहिए। यार गाइस, जब बात कर लेते हैं कि आप एक CS के स्टूडेंट हो तो आपको एक थिन और लाइट वेट लैपटॉप की ज़रूरत हो, जो कि आपको ये फीचर क्रोमबुक में देखने को मिलेगा। तो यार गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो अगर आप एक एडिटिंग पर्पज से लैपटॉप खरीद रहे हो, या फिर आप एक गेमिंग पर्पज से खरीद रहे हो, या आपको डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, तो आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको मिनिमम 2 GB तो लेना ही चाहिए, बट मैं रिकमेंड करूँगा आपको 4 GB का खरीदना चाहिए। तो यार गाइस, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है बैटरी के बारे में। तो यार बैटरी बैकअप गेमिंग लैपटॉप में काफ़ी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, तो आपको अगर एक गेमिंग हैवी लैपटॉप चाहिए तो आपको बैटरी बैकअप उसमें ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपको मैक्सिमम 2 घंटे से ज़्यादा बैटरी बैकअप नहीं देखने को मिलेगा, चाहे आप कैसे भी उसको यूज़ करो। अगर आप एक क्रोमबुक लोगे तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा, जो कि CS के स्टूडेंट के लिए सही रहेगा, और एडिटिंग करनी है तो आपको एक गेमिंग लैपटॉप लेना चाहिए। तो यार, अब बात कर लेते हैं कि कौन सी का ब्रांड का लैपटॉप खरीदना चाहिए। तो यार मेरे अकॉर्डिंग आपको एक HP, डेल और एसुस का लैपटॉप लेना चाहिए, MSI और अदर लैपटॉप ब्रांड जो एसर है, लेनोवो है, इन सब के साथ मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक स्टैंड नहीं कर पाएंगे मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और आपको एक HP और एक डेल का लैपटॉप काफ़ी बेटर रहेगा, चाहे से आप गेमिंग लैपटॉप लो चाहे एक क्रोमबुक लो। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।